दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पे। योग दिवस के मौके पर होगी निबंध प्रतियोगिता। इग्नू में ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षक। दरभंगा में कोरोना से युवक समेत दो मरीजों की मौत। छात्र छात्राओं को वर्ग में लेना अनिवार्य। शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए उठाई आवाज। शिक्षण व्यवस्था की बेहतरी पर चल रहा काम। अब खबर विस्तार से। योग दिवस के मौके पर होगी निबंध प्रतियोगिता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तरीय छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता आयोजित करेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर एपी गुप्ता ने सभी संघाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष तथा प्रधानाचार्य को गुरुवार को पत्र भेजकर इस आशय की सूचना दी है। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर निबंध प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी तथा इसका विषय योग का महत्व होगा। NSS के छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिभागी अपने निबंध के साथ योग के एक सर्वश्रेष्ठ आसन भी भेजेंगे। सभी निबंध 19 जून के शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय के NSS वेबसाइट पर भेज देंगे। इग्नू में ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ कर दिया है। ऑनलाइन के माध्यम से छात्र विभिन्न कार्यक्रमों, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र में ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। यह सुविधा इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत बिहार के कुल 10 जिले यथा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं गोपालगंज आते हैं। छात्र अपनी सुविधा एवं उक्त अध्ययन केंद्र पर उनके द्वारा चयनित कार्यक्रम की उपलब्धता के अनुसार नामांकन हेतु अपने अध्ययन केंद्र का चयन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए नामांकन हेतु फीस में छूट की सुविधा प्रदान की गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षक। मिथिला प्रदेश प्लस टू अतिथि शिक्षक संघ दरभंगा के जिलाध्यक्ष बसंत कुमार झा ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय में भी बिहार सरकार अतिथि शिक्षकों के मानदेय से अभी तक अनभिज्ञ है। 4 महीना से अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। इन शिक्षकों के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी होती है। माता पिता, पत्नी, बच्चों सभी इनके एकमात्र मानदेय पर आश्रित रहते हैं, लेकिन सरकार अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दिन प्रतिदिन दरकिनार करती जा रही है। अतिथि शिक्षकों की सेवा से शिक्षा विभाग ही नहीं, राज्य सरकार भी बड़ी भांति अवगत है। हर विषम परिस्थितियों में अतिथि शिक्षकों ने राज्य सरकार के निर्देशों का 100% अनुपालन किया है। जिलाध्यक्ष ने मांग की है कि अतिथि शिक्षकों का आवंटन दिया जाए, जिससे कि सभी अतिथि शिक्षकों को अपना मानदेय प्राप्त हो सके। साथ ही इस कोरोना काल में जितने दिनों से विद्यालय बंद हैं, उन सभी दिनों का शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार भुगतान करने का आदेश भी दिया जाए। दरभंगा में कोरोना से युवक समेत दो मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमित दो और मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से मधुबनी जिले के बाबुड़बाही से 25 वर्षीय युवक को 16 जून की देर रात DMCH के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मरीज को गुरुवार को आपातकालीन विभाग पहुंचाया गया था। जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक कहां के रहने वाले थे, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर DMCH के डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में गुरुवार को राहत भरी खबर आई। 2 महीने बाद वहां एक भी मरीज की मौत नहीं होने की खबर मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। रोजाना वहां से मौत की खबरें आने से लोग दहशत में थे। कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि तीसरी लहर आने की आशंका लोगों को सता रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चारों तरफ कोहराम को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इस भीषण महामारी ने कई घरों के आंगन को सूना कर दिया। वीगो के मुक्ति धाम में अपनों के आने के इंतजार में पड़े दर्जनों अस्थि कलश उस भयानक मंजर के गवाह हैं। कोरोना की दूसरी लहर में 8 अप्रैल से 15 जून तक केवल मुक्तिधाम शमशान घाट पर 134 शवों का संस्कार किया गया। इनमें से दर्जनों शव ऐसे थे जिनके परिजन किसी न किसी कारणवश अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद नहीं रह सके थे। ऐसे परिस्थिति में कबीर सेवा संस्थान द्वारा विधिवत मुखाग्नि इन शवों को दी गई। इसके बाद विभिन्न माध्यमों से अस्थि कलश ले जाने के लिए सूचित भी किया गया, जिसमें दर्जनों परिजन अस्थि कलश ले भी गए। फिर भी मुक्तिधाम में 3 दर्जन से अधिक अस्थि कलश अभी तक पड़े हुए हैं। अगर परिजन 20 जून तक नहीं आते हैं तो कबीर सेवा संस्थान की ओर से 21 जून को सिमड़िया घाट पर गंगा में अस्थियों का प्रवाह कर दिया जाएगा। उधर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22 नए मरीजों की पहचान हुई है।
छात्र छात्राओं को वर्ग में लेना अनिवार्य। MLSM कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इंटरमीडिएट सत्र 2021 से 2023 में नामांकित छात्र छात्राओं को नियमित वर्ग में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। बिना वैध कारणों से एक माह से अधिक दिनों तक वर्ग में अनुपस्थित होने वाले एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में उपस्थित नहीं होने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें 12वीं बोर्ड में परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नामांकन के समय छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा, इसलिए महाविद्यालय में नियमित वर्ग करने के इच्छुक छात्र छात्राएं ही 19 जून से नामांकन के लिए प्रारंभ होने वाली आवेदन प्रक्रिया में MLSM कॉलेज का विकल्प भरे। वर्ग नहीं करने के कारण नामांकन निरस्त होने एवं अन्य असुविधाओं के लिए छात्र एवं अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे। शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए उठाई आवाज। बिहार के माध्यमिक व प्लस टू स्कूलों में 37,400 पदों के लिए आयोजित STET 2019 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से गुरुवार को सरकार के समक्ष अपनी नियुक्ति की मांग को रखा। शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के माध्यमिक विद्यालयों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था व STET 2019 के 3 विषयों के लंबित रिजल्ट को जारी कर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बदहाल माध्यमिक शिक्षक बिहार वो STET रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग हैशटैग पर देश भर से 12 लाख से अधिक लोग ट्विटर पर उनकी मांगों के पक्ष में दिखे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मांगों को आम लोगों को भरपूर साथ मिला। इसके अलावा सभी शिक्षक संगठन, राजनीतिक दलों व कई युवा छात्र संगठनों का भी समर्थन मिला। STET अभ्यर्थी संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजनंदन यादव का कहना है कि राज्य के माध्यमिक व प्लस टू विद्यालयों की नियुक्ति के लिए 8 वर्षों बाद STET का आयोजन हुआ, जिसमें पहले से निर्धारित 37,400 सीटों के लिए एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। विज्ञापन में स्पष्ट जिक्र था कि इसमें सीट के बराबर कुटीवार रिजल्ट जारी किए जाएंगे। मार्च महीने में 3 विषयों को छोड़कर रिजल्ट में भी सीटों के बराबर या उससे कम ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अब सरकार द्वारा इस बहारी को लेकर लगातार उदासीनता बढ़ती जा रही है। ऐसे में वर्षों में प्रतीक्षारत शिक्षक अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया। कोरोना काल में सड़क पर उतरना संभव नहीं है, अतएव अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को उठाया एवं सरकार से आग्रह किया कि STET 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, इनकी नियुक्ति अतिशीघ्र करके राज्य की बदहाल माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। शिक्षण व्यवस्था की बेहतरी पर चल रहा काम। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वो विषय वस्तु संबंधी ज्ञान की प्रखरता के लिए द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स समूह द्वारा देश भर के विशेषज्ञ वो नामचीन विद्वजनों द्वारा निःशुल्क शिक्षण कौशल, बच्चों के बीच पहुंच और विषय प्रस्तुतिकरण को लेकर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बाबत TVT के मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुमार मदन मोहन ने बताया कि यह समूह शिक्षा महाभारत की शुरुआत कर चुका है, जिसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था की बेहतरी और एक एक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच है। इसमें पूरे राज्य भर से बहुत सारे शिक्षक लगे हुए हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर राकेश कुमार प्राचार्य CTE भागलपुर एवं डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन तिलका मांझी विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण कौशल की गुणवत्ता पर 2 घंटे से अधिक का सेशन लिया। प्रोफेसर उषा पांडे डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वो इंचार्ज सेल फॉर नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी NCERT नई दिल्ली ने भाषा शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तुति की, साथ ही शिक्षकों के जिज्ञासा का भी टिप्पणी की। डॉक्टर शंकर कुमार एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पटना यूनिवर्सिटी व फाउंडर प्राचार्य सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने विज्ञान के विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण वो विद्यालय प्रबंधन पर शिक्षकों को जागरूक किया। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए गुरुवार को प्रोफेसर डॉक्टर MP त्रिवेदी पूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान पटना विश्वविद्यालय ने शिक्षकों को और भी अधिक प्रखर बनाने को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के संचालन में टीम TVT के राज्य समन्वयक मनोज त्रिपाठी, मीरा कुमारी, सृष्टि मुखर्जी, कुमार गौरव, कुमारी गुट्टी, मीरी आडलिन, राजन कुमार सिंह, बलवंत कुमार वो सभी जिला के मोटिवेटर्स योगदान कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।